दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन गिवन है सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का। 2.6 इंटू 1.5 प्लस 3.4 इंटू 1.2 माइनस 1.8 मल्टीप्लाई 2.5। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज इसको हम शॉर्टकट में कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा एडिशन रेडी करना है जो 9 हो जाए। जैसे देखिए, आप लोगों को दिखाता हूं मैं। यहां पे हमारे पास डेटा है 6 और 2, तो 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 होगा, मल्टीप्लाई 5 और 1 ऐड किया तो 6, प्लस 4 और 3 7, मल्टीप्लाई 1 और 2 ऐड करेंगे तो 3, माइनस 8 और 1 9। 9 को हमें क्या करना है, 8 और 1 9, 9 को जब दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9। 9 हमारा 0 में बदल जाएगा। हमें फाइनल यही करना है कि 9 को 0 में बदलना है, बदल दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई 2 और 5 7 में। दोस्तों, 0 का किसी डेटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 ही होगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, तो देखिए अब हमने क्या किया यहाँ पे कि सारे जो डेटा है 2 डिजिट्स में, उनको हमने ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। 6 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 48। 48 को अगर हम ऐड कर देते हैं दोनों डिजिट को, तो निकल के कितना आएगा, तो 8 9 10 11 12। 12 यानी कि 3, प्लस 7 3 जा 21, 21 यानी कि 3, और ये हो गया आपका माइनस, 0 हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, ये 3 प्लस 3 6 हो गया। अब हमें लाना है कि इक्वल, तो फाइनली हमारा डेटा निकल के आ गया कि 3 प्लस 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी कि हमें क्या करना है कि इधर हम ऐसा क्या डेटा लें कि दोनों इक्वल हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे 6 आएगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हमने जैसा कि जो हमने क्वेश्चन में किया था, सेम वही काम हम ऑप्शन में करेंगे। तो देखिए, 6 और 3 9, ये कैंसिल होके 0 हो गया, बचा 1, जबकि हमें लाना था 6। 7 2 9, 7 2 9 कैंसिल होके 8 हो गया, बचा हमारे पास 8, हमें लाना है 0। 3 2 5, 5 और 2 7, नहीं, हमें यहाँ पे 6 लाना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि 4 और 3 7, 7 7 7 और 8 ऐड किया तो 15, 15 को प्लस करेंगे तो 6, और हमें यहाँ पे भी क्या लाना था, 6 ही लाना था। तो ऑप्शन इज 4। दोस्तों, अगर आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा, वो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए आगे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, मैंने अभी बताया था कि जो भी हमारे पास एडिशन 9 होगा वो कट के 0 हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ये देखते हैं कि 6 और 7 8 और 1 9, 9 9 इज इक्वल टू 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी फाइनली हमारा डेटा आ गया 0, यानी यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। तो दोस्तों, ऑप्शन में आते हैं कि 0 0 कहाँ से आया दोस्त, तो 9 लाना है हमें। 9 आएगा तो अपने आप 0 हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हमारा जो ऑप्शन है 8 और 5, तो दोस्तों 8 और 8 16, 8 और 3, तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा, तो इस चीज़ को ना ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा लीजिए, 8 और 8 16, और 8 24, 25 26 27, टोटल आया 27। 27 का अगर आप करते हो कि 2 प्लस 7 तो इज इक्वल टू 9, 9 कट के 0 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। दोस्तों, जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं ध्यान से, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, ये 2 3 मिनट से कम नहीं लेगा। तो हमने सीधा सीधा क्या करना है कि एक ऐसा डेटा सेट करना है कि उसका एडिशन जो है ना वो 9 हो जाए। तो देखिए, ये हमने यहाँ पे जब देखा, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन को, तो यहाँ पे मिला हमें कि 5, देखिए 6 7 8 और 9 कैंसिल होकर 0 हो गया, 6 7 8 और 1 9 कैंसिल होकर 0 हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 5 5 10, 10 के दोनों डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई 4 और 3 7, प्लस
एट और वन नाइन यानी कि जीरो, और जीरो में किसी भी डेटा का मल्टीप्लाई करोगे तो ये फाइनली आपका जीरो ही हो जाएगा। नॉर्मल लेते हैं फाइव फाइव टेन और टू ट्वेल्व यानी कि थ्री इज इक्वल टू, यहाँ इसको ना हम लोग एक्स मान लेते हैं, एक्स माइनस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे गिवन है आपके पास फाइव फाइव टेन टेन, और अब देखिए एट और वन नाइन कैंसिल, टेन और सेवन सेवनटीन, सेवनटीन के डेटा को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा एट। तो दोस्तों हमने देखा फाइनली कि ये हो गया आपका थ्री थ्री और ये जीरो हो गया, तो थ्री और ये आपका जीरो हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ना ये सेवन हो गया, फोर और थ्री सेवन हो गया। तो हमने देखा ये कैलकुलेशन जो है आपका वो सेवन पे आ गया, तो ये हो गया आपका सेवन और ये सारा सब कुछ जीरो हो गया, तो सेवन इज इक्वल टू एक्स माइनस एट। तो दोस्तों अगर इसको यहाँ पे ला के सॉल्व करते हैं तो ये डेटा हो जाएगा कि एट प्लस सेवन इज इक्वल टू एक्स, एक्स यानी कि कितना दोस्तों, तो एट प्लस सेवन, एट प्लस सेवन अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो निकल के आ जाएगा कितना, फिफ्टीन, फिफ्टीन यानी कि वन और फाइव बोले तो सिक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, एट और सेवन ऐड किया तो फिफ्टीन, और दोनों डेटा को प्लस किया तो ये हो गया आपका सिक्स, सिक्स को इक्वल करना है एक्स से, यानी यहाँ पे भी हमारा क्या आना चाहिए दोस्तों, तो सिक्स आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों सिक्स हमारा कैसे आता है, ऑप्शन पे देखते हैं, ऑप्शन में देखा फोर फोर एट और वन नाइन फाइव आया, आंसर नहीं होगा, सिक्स सेवन एट नाइन फोर आया, आंसर नहीं होगा। हमने देखा दोस्तों कि एट और टू टेन, एट और टू टेन, टेन और टेन ट्वेंटी, ट्वेंटी और एट ट्वेंटी एट। तो दोस्तों यहाँ पे आया एट और टू टेन, क्लियर है। आगे देखते हैं यहाँ पे हमारा आंसर क्या आता है, ये भी आंसर नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ पे देखा एट और टू टेन और सेवन सेवनटीन, एटीन नाइनटीन, ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर के दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो सिक्स होगा, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थ्री। एक बार ध्यान से देख लीजिए, हमने क्या किया कि जितने भी नाइन हो रहे थे उसको कैंसिल करके जीरो कर दिया। तो दोस्तों किसी भी कैलकुलेशन को हम लोग विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं। देखिए जैसा कि आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख रहे हैं दोस्तों कि टोटल यहाँ पे हमने निकाला वन और वन टू, टू और सिक्स एट, एट और एट मल्टीप्लाई किया तो एट और एट सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर के दोनों नंबर को ऐड किया तो टेन, टेन यानी कि वन, वन हो गया। अब दोस्तों ये टोटल कैलकुलेशन आपका, ये टोटल आपका कैलकुलेशन जो है ये वन आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, तो फाइव और वन सिक्स, सिक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकल के आएगा आपका सिक्स इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको ना हम लोग ऐसा कर देते हैं कि इसको एक्स ले लेते हैं। तो दोस्तों यानी हमें क्या लाना पड़ेगा, हमें हमारा डेटा सिक्स लाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है, सिक्स की है। तो ऑप्शन में आते हैं, जब हम ऑप्शन में आए तो हमने देखा कि सिक्स और थ्री नाइन, नाइन यहां तक क्लियर है दोस्त, नाइन का कैंसिल होकर जीरो हो जा रहा है। एट और टू टेन, टेन और फोर फोर्टीन, एट और टू टेन, टेन और फोर फोर्टीन, फोर्टीन को ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा फाइव, जबकि हमें चाहिए सिक्स, ऑप्शन कैंसिल। दोस्तों अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमने देखा, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों सेम इसके नीचे आके देखते हैं हम लोग, तो सिक्स और फोर ये हो गया टेन, टेन और टेन और एट एटीन, एटीन यानी कि वन और नाइन कैंसिल होके जीरो हो गया ये आपका सारा डेटा। एट और टू टेन, टेन और फोर फोर्टीन, ये आपका हो रहा है फाइव, यानी हमारा आंसर नहीं हो सकता। दोस्तों अगर आगे की तरफ हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने देखा कि फाइव और फोर नाइन हो गया, इसके बाद हमने देखा फाइव और फोर नाइन हो गया, बचा क्या सिक्स, ये यानी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को इसका दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं नाइन को हमें जीरो बनाना है, दोस्तों बनाना शुरू करते हैं, सिक्स थ्री नाइन यानी जीरो, सिक्स थ्री नाइन यानी जीरो। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा कि सेवन और थ्री टेन, टेन और फाइव फिफ्टीन, फिफ्टीन यानी कि यहाँ पे निकल के आया सिक्स, प्लस करते हैं यहाँ पे दोस्तों निकल के आया फाइव, फाइव और सिक्स को करते हैं तो इलेवन, इलेवन यानी कि टू। तो यहाँ पे फाइनली हमारा निकल के आया डेटा कितना, टू, टू निकल के आया, और यहाँ पे फोर है तो मल्टीप्लाई टू का फोर से करेंगे, टू का मल्टीप्लाई हमने किया फोर से। ठीक है दोस्तों,
तो आइए देखते दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे 3 5 है, तो देखिए, तो यहाँ पे हमने लिया कि 7 और 3 10 10 और 10 10, ये हो गया, और 8 ये हो गया, 18 18 18, यानी कि ये कट के 9, यानी कि 18 अगर हम लेते हैं ये, तो 18 के नंबर को ऐड करते हैं तो ये 9 यानी कट के 0 हो गया, यानी ये पूरा कट के डेटा 0 हो गया दोस्तों। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करते हैं, तो 4 और 1 ये आपका निकल के आता है 5, मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो ये हो जाता है आपका 20, तो 20 यानी कि 2 2 बराबर x, यानी हमें फाइनली डेटा क्या लाना है, यहाँ पे भी 2 लाना है। तो दोस्तों हमने देखा ये 9 कैंसिल 8, नहीं होगा, 7 6 और 6 12 12 और 13, यानी 3 और 1 4, नहीं होगा, 9 कैंसिल 7 आया, नहीं होगा दोस्त, 8 9 10 11 11 के दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 1 और 1 2, यानी आंसर इज 2। तो दोस्तों आप इस टाइप के वीडियो को देखने के लिए हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8 7 4 5 8 2 2 6 5 2। तो दोस्तों आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि व्हाट्सएप ओनली, यहाँ पे दोस्तों लिख देता हूँ मैं, आप मुझे ओनली व्हाट्सएप कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और आप कैलकुलेशन में कम टाइम ले सकते हैं। थैंक यू।